अलोन बेस्ड एमसीक्यूज, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। तो दोस्तों ये स्टेटस होने वाला है आपका टर्म वन का, यानी चार पार्टों में 40 क्वेश्चन करने होंगे आपको सिर्फ 90 मिनट के अंदर। तो क्या कर पाओगे? आसान है क्या? क्या ऐसा पेपर करना जिसमें टाइम बहुत कम मिले? इट्स द मोस्ट हॉरिबल फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों आज आपके लिए दो जानकारी लेकर आया हूँ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, 10th और 12th के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि टर्म वन की हमारी डेट शीट आ गई है कि कब हमारे एग्जाम होंगे, किस महीने में हमारे एग्जाम होंगे और किस तरह हमारे एग्जाम होंगे। तो आज के लेक्चर आपके लिए होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा। तो दोस्तों हमारे सीबीएसई के कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने अनऑफिशियली ये घोषणा कर दी है कि जो हमारे एग्जाम होंगे टर्म वन के 10th और 12th के बच्चों के लिए, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, वो होंगे हमारे 15 नवंबर से। तो कई बच्चे ये लगा रहे थे कि जो एग्जाम होंगे वो अब की बार दिसंबर में होंगे, लेकिन हमारे संयम भारद्वाज ने ये घोषणा कर दी है कि बच्चों के जो एग्जाम होंगे वो अब की बार नवंबर में होंगे और 15 नवंबर से होंगे। और जब हमने इसकी गहराई में जाकर कुछ जानकारी निकाली तो हमें ये पता चला कि जो हमारे एग्जाम की डेट शीट होगी वो 1 दिसंबर के नज़दीक हमारी आ जाएगी, यानी आज से एक हफ्ते बाद हमारी डेट शीट हमारे पास होगी कि 10th और 12th वाले बच्चों का जो एग्जाम होंगे वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो किस तरह एग्जाम होंगे टर्म वन के? आपको पता है कि टर्म वन है जो हमारी, उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शनल आएंगे। आपका सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने घेर दिया था हमारा 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो उसी सीबीएसई के पेपर के नज़रिए को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि अब हमारे पास हर एक जो चैप्टर होगा उसके हम एमसीक्यूज तैयार करेंगे। तो चार टाइप्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे टर्म वन में। पहला होता है हमारे पास केस्ट बेस्ड एमसीक्यूज, दूसरा होता है अलोन बेस्ड एमसीक्यूज, तीसरे होते हैं हमारे पास डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज, चौथे होते हैं हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। यानी जो हमारा पेपर होगा टर्म वन का उसका क्या पैटर्न होगा? हमारे पास कोई भी पेपर हो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी होगा, हमारा जो पेपर होगा वो 3 भागों में बांटा जाएगा। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि सेक्शन ए जो होगा हमारा वो 20 मार्क्स का होगा, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको कितने करने होंगे? 16 क्वेश्चन करने होंगे। कोई भी 16 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, जिन 20 क्वेश्चनों में से 19 क्वेश्चन तो आएंगे हमारे अलोन बेस्ड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन वन में जो होगा हमारा किसका? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। यानी आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उस डायग्राम से आपको क्वेश्चन बनाकर उसके आंसर देने होंगे। जो हमारा सेक्शन बी होगा उस सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे 20, आपको अटैम्प्ट करने होंगे वही 16। तो क्या होगा कि उसमें हमारे पास जो अलोन बेस्ड की जो संख्या होगी वो कम कर दी जाएगी, यानी सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलोन बेस्ड क्वेश्चन। इस अलोन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? अलोन बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनको सिर्फ आपको थ्योरम या फॉर्मूले पता हो तो सीधा आप थ्योरम या फॉर्मूले पुट करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। और जो 8 क्वेश्चन होंगे, यानी सेक्शन बी क्या होगा, 12 क्वेश्चन होंगे हमारे अलोन बेस्ड के और 8 क्वेश्चन होंगे हमारे किसके? केस बेस्ड और डायग्राम बेस्ड के, जिनको आपको डायग्राम दे दिया जाएगा या आपको कुछ केस दिए जाएंगे उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको टिक करना होगा, उसका आंसर देना होगा। ये तो होता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें भी 20 क्वेश्चन आए और अटैम्प्ट किए किसने? 16। तो हमने सेक्शन ए में से भी 16 अटैम्प्ट किए, सेक्शन बी में से भी 16 अटैम्प्ट किए। तो सेक्शन सी के लिए कितने बचे? सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे। उसमें आपके लिए कोई ऑप्शनल नहीं होगा, सिर्फ 8 के 8 क्वेश्चन आएंगे और वो 8 के 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और वो 8 क्वेश्चन, उन 8 क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन होंगे हमारे किसके? केस बेस्ड एमसीक्यूज, यानी केस बेस्ड कुछ केस दिए जाएंगे कि ए ये है, बी ये है, तो आपको ये बताओ सी कितना होगा या डी कितना होगा। और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है? इन सारी चीज़ों का मतलब आपके लिए अब एक सीरीज शुरू होगी, वो क्या होगी कि हम हर एक चैप्टर के 12th के बच्चों के लिए जो हमारा टर्म वन का सिलेबस है उसके हर एक के चैप्टर के एक एक करके हम क्या करेंगे? एमसीक्यू तैयार करेंगे। और हर एक चैप्टर के केस बेस्ड एमसीक्यूज भी, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज भी और अलोन बेस्ड एमसीक्यूज की, चारों टाइप के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की जानकारी सिर्फ ये थी कि हमारी जो डेट शीट है वो आ जाएगी 1 अक्टूबर को और जो हमारे एग्जाम तैयार होंगे, एग्जाम रेडी हो जाएंगे 15 नवंबर से। आपको 15 नवंबर से एग्जाम देने होंगे टर्म वन के 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के साथ।